जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है। यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़, 28 जुलाई दिन गुरुवार को आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने महंगाई का रावण के पुतले को लेकर जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया। महंगाई के रावण के पुतले की जूते और चप्पल से पिटाई कर महंगाई के रावण को मार भगाने का आह्वान किया गया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर GST लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी के इस दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए मूल्य से पहले से परेशान जनता को सरसों का तेल 250 रुपए लीटर तक खाने को मजबूर किया गया और अब बच्चों के दूध पर भी GST लगा दिया गया। सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कार्य कर रही है, जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि सरकार पूंजीपतियों के लिए कार्य करती दिख रही है। कॉर्पोरेट टैक्स, पूंजीपतियों पर लगने वाला टैक्स को घटाकर 30% से 22% कर दिया। इस टैक्स को कम करने से 1,45,000 करोड़ का घाटा देश को उठाना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं, किसानों के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं। वही गोविंद दुबे ने बताया कि अपने चंद पूंजीपतियों मित्रों के लिए मोदी सरकार ने 11,00,000 करोड़ चंदा माफ कर दिया। जनता का पैसा बैंकों में था, उसे चंद लुटेरे डकार गए, बैंक खाली हो गया, खजाने खाली हो गए और मोदी खाली खजाने को भरने के लिए आमजन के प्रयोग की रोजमर्रा के वस्तुओं पर टैक्स लगाकर खजाना भरने के जुगत में हैं। आम आदमी पार्टी बढ़ती महंगाई पर चुप नहीं बैठेगी, इस कुव्यवस्था पर आवाज बुलंद करेगी और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करेगी। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। ये भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा ये मनमानी रोज गरीबों के ऊपर, उसके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। खाने को लेके भोजन की थालियां भी छीन ली जा रही है सामने से। ऐसी कंडीशन में ला दी है भाजपा सरकार आज उसके इस महंगाई के डायन को सुस्त करने के लिए। आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिले के समस्त कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक साथ जो है आज इस भाजपा विरोधी आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं और ये तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि इस महंगाई को सरकार घुटने न टेक दे। तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम अपने पैसे से लोगों से भीख मांगकर ये सरकार को देने के लिए आमादा हो जाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की दशा जो है देखी नहीं जाती। कभी मौका पर खाद नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता और इसके बाद बिजली में पूरे विश्व के 57 देश ऐसे हैं जो किसानों को खाद, बीज, बिजली, पानी फ्री देते हैं, लेकिन भारत में कुछ नहीं, किसानों को कोई सुविधा नहीं, उनके उनके उपज की सही मूल्य भी नहीं प्राप्त हो पाता। और ये मोदी सरकार, अभी हमारे जो मित्रों ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे जो है उपाध्यक्ष महोदय जी ने कहा, इन लोगों ने जो बताया वो साफ मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार अब हर मोर्चे पर फेल हो रही है। केवल टैक्स बढ़ा रही है, पूंजीपतियों का 10,00,000 करोड़ रुपया माफ कर सकती, 12,00,000 करोड़ माफ कर सकती है। किसानों के साथ टार्चर करके उन्हें थाने में बंद कर रही है, तहसीलों में बंद कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी सरकार इस पर भी अगर नहीं चेती तो निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि आम जनता इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंके।